नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज बात करेंगे इंद्र देवता की, क्योंकि देश भर में कई राज्यों में बारिश और ओले गिरे हैं, जिससे फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें इतने बड़े बड़े ओले, अचानक धूप होती है और उसके बाद ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए लोगों के शीशे पर ओले गिर रहे हैं, शहर भर की गलियों में ओले गिरे। आप सोचिए कि अचानक से ओला गिरने से किस फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है, खासकर गेहूं की फसल, चना की फसल, सरसों की फसल। एमपी में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, यूपी में भी कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पानी बरसा है और ओले गिरे हैं। किसानों के माथे पर इस बारिश से, ओलावृष्टि से शिकन देखी जा सकती है, क्योंकि गेहूं की फसल लगभग पकने वाली है और एक महीने बाद, डेढ़ महीने बाद गेहूं की कटाई होगी। मैं अभी पिछले दिनों अपने खेतों में गया, घर गया था, तो वहाँ गेहूं की फसल करीब करीब कमर के ऊपर तक है और करीब करीब कई खेतों में तो वो पक भी चुकी है। तो अब इस खड़ी फसल पर अगर ओले गिरते हैं और आंधी आती है, तूफान आता है, तो बड़ा ही ज़्यादा नुकसान होगा। किसान बस एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान थोड़ी देर रुक जाइए, हम अपनी गेहूं की फसल काट लें और उसके बाद आप पानी बरसाइए। तो हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि अभी ओलावृष्टि ना हो, क्योंकि फसल को नुकसान होगा तो अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी हलचल पैदा हो सकती है।